नेक्स्ट न्यूज के साथ। क्षेत्र में इन दिनों फर्जी पत्रकारिता की आड़ में कुछ सामाजिक तत्वों द्वारा जमकर धनुगाही और अन्यथा की स्थिति में प्रतिष्ठावान नागरिकों के अलावा सरकारी विभाग के खिलाफ सोशल मीडिया पर अर्णगर्व व भ्रामकपूर्ण समाचार का विषय चर्चा में बना हुआ है। मामला दरअसल लक्सर का है, जहां एक पुराने पत्रकार अमित गिरी गोस्वामी की खबरों की नकल करने पर एक इस्माइलपुर गांव की रामगोपाल सैनी नामक युवक को कॉपीराइट अधिनियम के तहत हाईकोर्ट के अधिवक्ता द्वारा लीगल नोटिस जारी किया गया था। इस कार्यवाही से चिढ़कर आरोपी रामगोपाल सैनी द्वारा पीएम आवास योजना की आरटीआई से प्राप्त सूचना का हवाला देते हुए खुद पर हुई नोटिस कार्यवाही नहीं रोकने पर क्षेत्र के प्रतिष्ठित पत्रकार से 1,00,000 रुपए की मांग की गई थी, मगर जब फिरौती नहीं दी गई तो पत्रकार को बदनाम कर दबाव बनाने की नियत से एक निकाय विभाग से सूचना प्राप्त कर सोशल मीडिया में अधूरे तथ्यों के आधार पर पोर्टल निर्मित प्रसारण वायरल किया गया। वहीं रामगोपाल सैनी के खिलाफ न्यायालय द्वारा एक याचिका पर संज्ञान लेते हुए आदेश पारित कर लक्सर कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश के बाद रामगोपाल सैनी के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज है। वहीं अब पत्रकार की याचिका पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो मुकदमा दर्ज हुआ है अदालत में पत्रकार रामगोपाल के खिलाफ, ये आज कोई नई बात नहीं है। रामगोपाल के खिलाफ पहले भी मैंने 2020 में एक मुकदमा दर्ज कराया था एक्सटोर्शन का। ये व्यक्ति पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेल करता है लोगों को। इसने अपने गांव की ग्राम प्रधान सर्वेश देवी, पत्नी प्रधान पवन सिंह से 50,000 रुपए मांगे थे। इसने अपने गांव के बलवीर पुत्र चंदू राशन डीलर से 50,000 रुपए मांगे थे, 1 क्विंटल चीनी मांगी थी। और तो और इसने और लोगों को छोड़िए, इसने पत्रकार लोगों को, प्रेस से जुड़े लोगों को भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसने हमारे लक्सर के एक पत्रकार अमित गिरी से 18,500 रुपए लिए ब्लैकमेल करके लिए, उसकी स्क्रिप्ट चोरी की, फिर सूचना अधिकार में उसको इतना तंग कर दिया कि उसे 1,00,000 की मांग करना शुरू कर दी। 30 जनवरी को उसने 1,00,000 रुपए की मांग की पत्रकार से, उसका मैंने मान्य नाले में मुकदमा दायर किया यहाँ, और अदालत ने उसको ये मानते हुए कि ये अभ्यस्त अपराधी है, अभ्यस्त अपराधी है, ये बार बार एक्सटोर्शन करता है, उद्दापन करता है, लोगों से पैसे वसूलता है, डराता है, धमकाता है, पत्रकारिता की आड़ में उनको भयभीत करता है और अपना काम चलाता है, पैसे लेता है। तो अदालत ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब जल्दी मैं इसमें बयान दर्ज कराने के बाद इसके NVW जारी कराऊंगा। इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित है, निसंदेह सुनिश्चित गिरफ्तारी है इसकी।